नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल रामू चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में PSEL रिफंड एप्लीकेशन सबमिट करने में आ रही समस्याओं का समाधान लेकर आया हूं। इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने के प्रोसेस को जरूर देख लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर यह वीडियो देखिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करते समय कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसको हम स्टेप टू स्टेप समझेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपके सभी समस्याओं का समाधान लगभग लगभग दे दिया गया है। सबसे पहले हम ये निर्धारित करें कि हमें रजिस्ट्रेशन कब करना है। तो दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ, रात में 3 बजे से सुबेरे 8 बजे तक सर्वर बहुत अच्छा चलता है और इस टाइम पर लगभग लगभग जो लोग भी आवेदन कर रहे हैं उनका आवेदन अच्छे से हो जा रहा है। इस टाइम पे एरर भी बहुत कम आते हैं। दूसरा है ब्राउजर। ब्राउजर ब्राउजर आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करें, यहाँ थोड़ा अच्छा स्पीड भी मिल जाता है और क्रोम की अपेक्षा एरर भी कम आता है। अगर पेज ओपन होने में समस्या आ रही है तो कुकीज डिलीट कर दें। कुकीज डिलीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और कनेक्शन सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ मोर इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है क्लियर कुकीज एंड साइट डाटा, इस पर ओके करके यहाँ पे सारा डाटा डिलीट कर देना है। उसके बाद फिर से साइट को रीलोड कर लेना है। अगला जो एरर है कि कुछ लोगों को यह एरर आ रहा है कि दिस PSEL नंबर डज नॉट एग्जिस्ट एज पर आवर रिकॉर्ड। इसका मतलब यह है कि PSEL बॉन्ड का जो नंबर है वह सेबी के डेटाबेस में नहीं है। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब आपको एक मेल करना होगा। यह मेल आईडी है, मेल में अपनी समस्या लिखना है और आ रहे एरर का स्क्रीनशॉट और अपना बॉन्ड स्कैन करके सेंड कर देना है। 24 से 48 घंटे में इसका रिप्लाई आ जा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी दूसरे को मत दें, स्वयं हो सके तो ऑनलाइन सेंटर पर जाकर फॉर्म भरवाएं या सेल्फ ही ऑनलाइन भर सकते हैं तो सेल्फ भरें, इससे आपका नुकसान हो सकता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। बैंक वेरिफिकेशन लेटर, ये भी एक बहुत ही बड़ी समस्या है। कई बैंक वाले बना ही नहीं रहे हैं और कई बना भी रहे हैं तो 100 से 300 रुपए तक का चार्ज कर रहे हैं। सेबी ने इस समस्या का समाधान कर दिया है और अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी भी लगा सकते हैं। अगली समस्या आ रही है OTP की। कुछ लोगों का OTP नहीं आ रहा है तो वह लोग दूसरे ऑपरेटर के नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो मॉर्निंग में 4 बजे से 6 बजे के बीच में रजिस्ट्रेशन करें, OTP 100% आ जाएगा। अगला जो एरर है वह है बैंक सर्च नहीं कर पाना। जी हाँ दोस्तों, कई लोग कमेंट बॉक्स में यह पूछ रहे हैं कि बैंक की IFSC कोड डालने के बाद जो है उनका बैंक सर्च नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ कि सर्वर ओवरलोड हो जाने के कारण बैंक सर्च नहीं कर पा रहा है। और एक चीज और, अगर आपके नेट की स्पीड कम होती है तो भी सर्च नहीं कर पाता है। अपनी स्पीड चेक करने के लिए speedtest.net पर जाइए और अपने नेट की स्पीड चेक कर लीजिए और फिर फॉर्म भरिए। अगर फिर भी सर्च नहीं कर रहा है तो अर्ली मॉर्निंग में फॉर्म को फिल कीजिए, 100% जो है कि ये एरर नहीं आएगा। अगला जो एरर आ रहा है वो है पैन कार्ड का। तो एक बात मैं क्लियर बता देना चाह रहा हूँ, बिना पैन कार्ड के आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, इसके लिए पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बन पा रहा है तो नीचे मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया हूँ, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका पैन कार्ड बनवा दिया जाएगा। नेक्स्ट जो एरर आ रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने में एक एरर आ रहा है। कई लोग कंफ्यूज हैं कि डॉक्यूमेंट कलर करना है या ब्लैक एंड व्हाइट करना है। तो दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड व्हाइट ही करना है और 200 DPI में ही करना है, कलर नहीं करना है। जो लोग कलर कर दिए हैं कोई बड़ा इशू नहीं है, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वह क्लियर होना चाहिए। अपलोड करने में भी एक एरर आ रहा है जो ये लिख के आ रहा था कि टोटल अमाउंट ऑफ अपलोडेड रिसिप्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टोटल क्लेम अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, ये एरर आ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एरर तब आ रहा है जब आप क्लेम फाइल कर रहे हैं,
क्लेम फाइल करते समय थोड़ा सा वेट कर लें, सर्वर ओवरलोड होने की वजह से टोटल क्लेम अमाउंट दिखाता है, उसके बाद रिसिप्ट आपने जो लगा रखी है, ठीक है, जितनी रिसिप्ट अपलोड की है उसका अमाउंट भी वहाँ पे शो करता है, तो वहाँ पे थोड़ा देर वेट कर लें कि दोनों जितना आपने अपलोड किया है वो वहाँ पे आ जाए। कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आपने जो रिसिप्ट अपलोड की है वो अमाउंट वहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आपने जो मेन अमाउंट जितना क्लेम अमाउंट कर रहे हैं वो सर्वर ओवरलोड होने की वजह से वहाँ पे नहीं आ पा रहा है, और हम सबमिट कर रहे हैं तो बाद में यही एक मैसेज आ रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ अपलोडेड रिसिप्ट शुड नॉट बी ग्रेटर देन टोटल क्लेम अमाउंट। इसका मतलब ये होगा कि आप जो रिसिप्ट लगा रहे हैं उसका अमाउंट आपके क्लेम अमाउंट से ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लें, जब देख लें कि दोनों अमाउंट आ गया है उसके बाद ही सबमिट करें। अब इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि पॉलिसी होल्डर यानी जिसके नाम से पॉलिसी ली गई थी अगर वह एक्सपायर हो गए हैं तो उनके नामनी यह पूछ रहे हैं या ये पूछ रही हैं कि वह कैसे क्लेम करें, तो उनको थोड़ा रुकना पड़ेगा, वह लोग अभी रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। सेबी ने कहा है कि नामनी द्वारा दावा करने की तारीख के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी, अधिक जानकारी के लिए 0226121696 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि PSEL का ब्रांच ऑफिस ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कई लोग गलत न्यूज भी डाल दिए हैं कि ब्रांच ओपन हो रहे हैं, तो यह गलत न्यूज है। सेबी ने इस बात को क्लियर किया है कि PSEL की कोई ब्रांच ओपन नहीं हो रही है, और एक बड़ी न्यूज और भी निकल कर आ रही है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर इसको ओपन कर दिया गया है, जो लोग इंडिया से बाहर हैं और उन्होंने PSEL में पैसा जमा कर रखा है तो वो वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और आ रही है कि कई लोग पूछ रहे हैं कि सर ब्याज के साथ मिलेगा या मूलधन ही केवल मिलेगा, तो इसके लिए ये अभी कोई क्लियर नहीं है कि कितना पैसा मिलेगा, आपका मूलधन ही मिलेगा या ब्याज के साथ मिलेगा, यह लोढ़ा समिति तय करेगी कि कितना पैसा देना है। अभी सबसे पहले आपको रिफंड क्लेम फाइल कर देना है, भविष्य में जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। एक लोग हमसे फ़ोन करके ये चीज़ भी पूछ रहे थे कि उन्होंने 2014-15 में PSEL बॉन्ड जमा कर दिया है, अब वह कैसे क्लेम करेंगे, तो उनके पास एक PSEL ऑफिस से एक स्लिप मिली होगी, उस स्लिप का फोटो खींच के या स्कैन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेल आईडी दे रखा हूँ, वहाँ पे जो है कि अपनी प्रॉब्लम को लिख देना है और अटैचमेंट में वह फाइल जो है सेलेक्ट करके सेंड कर देना है, वहाँ से जो भी सोल्यूशन होगा वह मिल जाएगा। इन समस्याओं के अलावा कोई समस्या रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उसका सोल्यूशन भी दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।